तो फ्रेंड्स, आज हम घर पे बनाने वाले हैं देसी घी। ये मैंने एक हफ्ते की मलाई ले ली है, इसको मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था। बिल्कुल दानेदार घी बनाएंगे, बाजार का घी भी इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल दानेदार। जैसे हम साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक इसको रख सकते हैं। इसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे वे दानेदार बनेगा, और कभी भी जैसे लेसदार बन जाता है देसी घी, वैसा कभी नहीं बनेगा। एक सीक्रेट चीज डालनी है जो मैं आपको वीडियो के मिडल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने मलाई को फेंट लेना है, अच्छी तरह से मलाई को फेंट लेंगे। कोई हमको मिक्सी की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस हमने फ्रिज में से इसको आधा पौना घंटा पहले निकाल देना है। जब तक हमारा किचन का काम खत्म होता है तब तक ये मलाई है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, और बिल्कुल भी इसको फेंटने में हमारा समय बर्बाद नहीं होता है। तो इस तरह इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। जब तक इसकी लस्सी है वो अलग नहीं हो जाती तब हम इसको हिलाते रहेंगे। तो अब ये लस्सी है बिल्कुल साइड पे हो रही है इस तरह से, बिल्कुल 1 मिनट का समय लगा है मुझे, फेंट लिया है। अब इसको हमने साफ पानी से धो लेना है ताकि वो खट्टापन है लस्सी वगैरह का जो होता है तो घी इसीलिए हमारा खराब हो जाता है। जब इसका 2-3 पानी धो के मक्खन को घी बनाते हैं तो पहला तो स्टेप यही होता है कि इससे हमारा घी है कभी भी लेसदार नहीं बनता और कभी भी खराब नहीं होता है। इस तरह से हमने इसको पतीले में निकालते जाना है। तो पतीले में मैंने ये मक्खन निकाल लिया है। अब इसमें 1 गिलास और हमने पानी का डाल देना है, अच्छी तरह से इसका साफ पानी निकाल लेंगे, बिल्कुल साफ ऐसे। ताकि बिल्कुल भी इसमें खट्टापन नहीं रहे। एक बार फिर से पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको घुमा घुमा के हमने अब ये मक्खन हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इसको कढ़ाई में गरम करते हैं। अब मक्खन को डालेंगे कढ़ाई में। तो मक्खन अब पिघलना शुरू हो चुका है, इसको हमने भारी तले वाली कढ़ाई है उसमें गरम करना है ताकि वो नीचे नहीं जल जाए, तो उससे स्मेल भी खराब हो जाती है घी की और अच्छी तरह से पकता भी नहीं है। अब इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने हिला हिला के गर्म कर लेना है, बिल्कुल ऐसे। दस पंद्रह मिनट का समय लग जाता है घी की, अगर हम आंच तेज करके पास खड़े होके बनाए तो सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर हमने इसके पास खड़े नहीं होना तो हम आंच को धीमी कर सकते हैं और अपने घर का काम कर सकते हैं। उसके दौरान ही हमारा घी बन के रेडी हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसी तरह से इसको हिलाते जाएंगे जब तक ये ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। उसके बाद हमने जो इसमें एक चुटकी सीक्रेट रेसिपी की डालनी है जिससे घी हमारा दानेदार बनने वाला है। इसी तरह से बन चुका है। अब इसमें हमने एक चुटकी नमक डाल देनी है, तो इससे जो घी है हमारा बिल्कुल दानेदार बनेगा। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा और पका लेंगे हम।
पूरा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसको हमने छान के बर्तन में निकाल देना है और जब जब घी जम जाएगा तो आप देखेंगे कि कितने दानेदार घी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम छान लेते हैं। तो घी अब मैंने बर्तन में डाल दिया है, बहुत अच्छा घी बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपको घी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर।